बचपन से लेके आज तक मुझे लगता है मैं एकदम सेक्सा ही था। पूरे पोस्टर्स में बोल रही थी यार हंसाओ, हंसते कुछ रोती रहती थी मैं सेट पे हमेशा, बिल्कुल हंसती ही नहीं मैं। यार मेरा तो एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं घर जाके रोया ना, अच्छा खासा थिएटर कर रहा था। एक बियर तक नहीं पी, इतना बड़ा शराबी हो गया कि सुबह साला बाड़ में जाए शूटिंग साली, मैं सुबह ही बैठे में पी के चला जाता। मैं तो फिल्म के सेट पे नहीं गया। देखिए अपनी हॉस्टल जिंदगी को कितनी खूबसूरती के साथ पढ़ने पर होगा, पता नहीं कौन आएगा देख। Hi guys, welcome to Bollywood Bubble. आज हम बात करने वाले हैं छिछोरे गैंग के साथ some fun conversations. Hi, what's Hello. up? Hello. So let's start with you guys introducing yourselves in the picture का format. नमस्कार, मेरा नाम सुशांत कुमार शुक्ला है और इस फिल्म में मैं देवड़ा प्ले करता हूँ। और बेवड़ा क्या करते हैं? नाम में काफी है, नाम में बहुत कुछ है, नाम से समझ लीजिए। जी आप बताइए। नमस्कार, मैं हूँ नवीन बोलीशेट्टी और मैं इस फिल्म में एसिड का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। और एसिड एक ऐसा लड़का है जो जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है एंड वो बहुत गाली देता है, तो बीप 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 में ही गाली चलते हैं। अभी बात करें नजर के भी बारे में, बात करें आज मौसम का बीप 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 है। हाय, मेरा नाम तुषार पांडे, मैं फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है मम्मी। जैसे नाम बता रहा है कि जो मामा को है उसने पूरी जिंदगी माँ के देख रेख में बिताई है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू कास्ट स्टेप आउट यू मिस योर मॉम अ लॉट एंड हाउ हिज जर्नी गोज थ्रू विद दिस कैरेक्टरिस्टिक इज क्वाइट फन। हाय, आई एम श्रद्धा एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ माया। और माया में ना एक एक्चुअली एक मैग्नेट छुपा हुआ है और वो मैग्नेट बॉयज़ को अट्रैक्ट करता है और बॉयज़ उसके पीछे 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 ऐसे वॉक करते हैं, जॉग करते हैं। और उसका दूसरा नाम है हेलीज़ कॉमेट। मेरा कैरेक्टर नाम अन्नी है और मैं भी सबकी तरह कुत्ते की दूँ टेढ़ी की टेढ़ी। क्या बात, आपने तो ये सारे कैरेक्टर्स को हैंडल किया है। नितेश सर आप बताइए। हाय, मैं वरुण शर्मा, मेरे किरदार का जो नाम है उसका नाम है सेक्सा। सेक्सा इसलिए क्योंकि डेबोनर प्लेबॉय मस्तरम उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो अपनी जिंदगी बिताता है, इच्छाएं उसकी बहुत ज्यादा हैं और पूरी होती नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा नॉटी चल। हाउ सिमिलर इज द कैरेक्टर इन रियल लाइफ? बचपन से लेके आज तक मुझे लगता है मैं एकदम सेक्सा ही था और सेक्सा मेरे अंदर एकदम इनबिल्ट है, और लेकिन एट द सेम टाइम हरामी है बट हार्मलेस हरामी है, बड़ा क्यूट बड़ा क्यूट तो है हमें तो पता है। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा दैट हाउ वाज इट वर्किंग विद ऑल दीस फन पीपल। मोस्ट क्लिशे आंसर मैं आपको दूंगा जी, बट दैट्स द ट्रुथ यू नो। सो लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, आप इसका जवाब मुझे झूठ में दीजिए, अगर बहुत अच्छा था तो आप उसका उल्टा बोलिए। मेरा दिल टूट गया इन लोगों के साथ काम करके, जितनी मेरी उम्मीदें थी सब पे पानी फिर गया। कितने सपने हुए थे कि अपने हॉस्टल जिंदगी को कितनी खूबसूरती के साथ पढ़ने पर होगा, पता नहीं कौन आएगा देखो। सर पता आ जाएगा, इन्होंने अपनी चीज एडिट कर दी, आपने कैसा एडिट कर दिया, आपने खराब कर दिया सब कुछ। सर आपका स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहना है इसी अंदाज में? 50 बार ऐसा काम हो चुका है फिर से वही किसी पे। सो टेकिंग दैट ऑन नोट, आप सभी मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए झूठ में। बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं थी हमारी, हम एक हिट कुत्ते का बैर था हमारा आपस में। आई थिंक बिल्कुल ही बात नहीं करते थे हम किसी से, एक दूसरे से आते थे अपना काम करते थे वापस घर चले जाते थे, एक दूसरे की वैन में कोई अलाउड नहीं था ना, यही होता था। मैं तो फिल्म के सेट पे ही नहीं गया। मैं बोलने लग जाऊंगी तो एक्चुअली रोना आ जाएगा, मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंसेस। इतने एडिट करते हैं पूरे कोस्टार्स, मैं बोल रही थी यार हंसाओ, हंसते कुछ रोती रहती थी मैं सेट पे हमेशा, बिल्कुल हंसती ही नहीं मैं। और नितेश सर ने भी मतलब कैसे डायरेक्ट किया मुझे, मतलब कभी टाइम पे नहीं आता था सर। और मतलब बिल्कुल हमें हमारी देखभाल नहीं की नितेश सर ने, बिल्कुल नहीं। यार मेरा तो एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं घर जाके रोया ना, रोज रोज, मतलब मैं अच्छा खासा थिएटर कर रहा था।
मेरी पहली पिक्चर है तो मुझे स्क्रिप्ट से हटा दिया पहले तो मैं एकदम मतलब मैं सिर्फ पोस्टर में हूँ नहीं सोचा था कि ऐसा अनुभव होगा। मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैंने जिंदगी में एक सुपारी तक नहीं खाई, लाइफ में लॉन्ग तक नहीं खाई। इस पिक्चर की वजह इतना डिप्रेशन वाला माहौल था, ऐसी शक्ल में शराब पीने लगा इसी चक्कर में। एक बियर तक नहीं पी, इतना बड़ा शराबी हो गया कि सुबह साला बाढ़ में जाए शूटिंग साली मैं सुबह ही वैनिटी में पी के चला जाता। मूविंग फॉरवर्ड इस फिल्म में टैगलाइन यूज हुआ गया है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो एक दूसरे की ऐसी कोई अजीब बियर टेढ़ी आदत बताओ जो कभी सुधरने नहीं वाली। नवीन का ह्यूमर कभी नहीं सुधरेगा। श्रद्धा की आदत मैंने नोटिस किया, वो बहुत जल्दी स्पेस आउट हो जाती है। सुशांत जब मूड में रहता है तो मतलब मुझे तो काफी समझ में आती थी बातें, मुझे बाकी लोगों के बारे में नहीं पता है कि वो जो हम लोग जो इंजीनियरिंग की बातें करते थे वो मेरे ख्याल से इन लोगों को काफी स्ट्रगल करने पड़ा समझने के लिए कि वो ये सब इक्वेशंस और ये सब जो चीजों के बारे में बातें होती है, तो इन लोगों को अभी कुछ वो खुन्नस रहती थी कि तुम लोग यार आपस में बैठ के तीन इंजन क्या कुसुर कुसुर करते रहते हो, इधर ये मक्की इधर से उड़ के जाती तो गाड़ी आ रही तो सब आएगी वो सब, और ये लोग को थोड़ा उस पर एक्चुअली खुन्नस थी। मैं एक आई थिंक यूनानिमसली बोलेंगे कि नितेश सर की एक आदत जो है उनका मीठा खाना बहुत उनका मतलब होता है ना आपकी मील कंप्लीट नहीं होती, कई लोग जैसे मेरे मम्मी भी होते हैं उनको मीठा नहीं खाए उनको लगता है कि मील कंप्लीट नहीं होती, तो नितेश सर की भी मील कंप्लीट नहीं होती अगर मीठा ना हो, और मीठे में स्पेशली इंडियन स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बॉलीवुड बबल। थैंक यू, सेम। हाय, दिस इज वरुण शर्मा। हाय, दिस इज नितेश तिवारी। Hi, I'm Sushant Singh Rajput. Hi, this is Shraddha Kapoor. Hi, this is Tushar Pandey. Hi, this is Naveen Polishetty. Namaskar, I'm Sahar Shumar Shukla. And you're watching Bollywood Bubble! Bubble!